हाय गाइस, एक बार और एक इंग्लिश लर्नर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, एक बहुत बड़े चैलेंज को सॉल्व करने के लिए यह वीडियो मैं लेकर आया हूँ। दिस इज कृष्णा पार्दे, योर वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश एंड पीडी ट्रेनर। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये आपकी एक्टिव टू पैसिव वॉइस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के बिगिनिंग में ही एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, परंतु इट्स गोइंग टू क्लेरिफाई योर बिगेस्ट चैलेंज इन इंग्लिश लर्निंग। इंग्लिश लर्निंग में जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन में यूज होता है, और एज अ बिगिनर या अगर हमारी इंग्लिश पर अच्छी कमांड नहीं है तो हमको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। पर मैं आपसे इस वीडियो के बिगिनिंग में एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप पूरा समझ जाएंगे, और आप किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। जस्ट लाइक, शेयर एंड फॉलो आवर चैनल, और इट्स नॉट अ वीडियो ओनली, इट्स अ चैलेंज, जस्ट वॉच एंड एंजॉय द लर्निंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस वाले जो क्वेश्चंस हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस की हमको जरूरत होती है एनुअल एग्जाम में, जब आप इंग्लिश का पेपर देते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज करने के लिए आता है। ओके, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, इवन फ्रेंड्स मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात बताऊं कि बहुत सारे एसएससी, बैंकिंग और जो भी जो प्री और मेंस लेते हैं उनमें तो एक्टिव टू पैसिव वाइज क्वेश्चंस की भरमार होती है, और कॉम्पिटेटिव में अच्छा स्कोर करने के लिए आपकी इस टॉपिक पर पकड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आप देते हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ स्पोकन को यदि आप मास्टरी करना चाहते हो, स्पीकिंग अच्छी करना चाहते हो, तो भी आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, अभी हम इसको एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्टिव वॉइस, यदि मैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बात करता हूं तो जो आपने टेंस पढ़ रखा है, जो आपने मॉडल पढ़ रखे हैं, उस कॉन्सेप्ट, वो जो सेंटेंस होते हैं दोज आर बेस्ड ऑन एक्टिव वॉइस। क्यों उन्हें एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्यों बोला जाता है? द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आप देखते हैं, उस सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होती है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, मतलब वहां सब्जेक्ट लीडिंग रोल में होता है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और पूरी जो स्ट्रक्चरिंग होती है वो सब्जेक्ट के बेसिस पर होती है, रिकॉग्नाइज्ड होता है, वो आइडेंटिफाइड होता है, इसलिए उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और उन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चरिंग कुछ इस तरह से होती है, द स्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस लाइक सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, मेन वर्ब यूज होती है, और ऑब्जेक्ट यूज होता है। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, इसमें ध्यान से देखिए कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको कुछ इस तरह की हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है। कुछ टेंसेस या कुछ एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट की, तो सिंपल प्रेजेंट में आपको V1 देखने को मिलता है, ओके, या V1 प्लस SESIS देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं, सिंपल पास्ट की बात करते हैं, तो उसमें V2 देखने को मिलता है डायरेक्ट आपको, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। परंतु अदर सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, डू डज डिड, ओके, डू डज डिड, या आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल सकती है इज एम आर, वाज बार, विल बी, शैल बी, ओके, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ओके। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब के कनेक्शन में आती है, और मेन वर्ब आपको डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट फॉर्मेट में दिखेगी, किसी में V1 दिखता है, किसी में V2 दिखता है, किसी में V3 दिखता है, किसी में V4 दिखता है अर्थात VING दिखता है, या किसी में V5 दिखता है अर्थात वर्ब प्लस SESIS दिखता है। ये आइडेंटिफिकेशन है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं कि यदि मैं बात करूं किसकी, ओके, डू डज डिड की, इनके साथ आपको मेन वर्ब V1 फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। जब मैं इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी की बात करता हूं तो इसमें आपको VING फॉर्मेट में देखने को मिलता है, और जब मैं हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव की बात करता हूं तो यहां पर हमको V3 फॉर्मेट में देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा ये वीडियो क्या है कि हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और कैसे चेंज करना है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में जो हमारा सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट पर आधारित होता है, मतलब कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं, इसमें सब्जेक्ट पैसिव होते हैं। तो इन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चरिंग कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आपको, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बिगिन करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, या मैंने आर लिखा है, दिस आर इज बेस्ड ऑन रूल, ये क्या रूल है, क्या कॉन्सेप्ट है, अभी हम वीडियो में लर्न करेंगे। देन इसमें मेन वर्ब का यूज होता है, और मेन वर्ब आपको हमेशा देखने को मिलेगी इसमें थर्ड फॉर्म में। मेन वर्ब किस फॉर्म में देखने को मिलेगी, थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। अब कुछ बेसिक रूल फ्रेंड्स देखिए, इट्स अ कॉन्सेप्ट, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट की बिगिनिंग क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है दो तरह से,
या तो हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है और उसमें डायरेक्ट दिया जाता है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, या आपको देखने को मिलता है कि कोई कॉमन इरर का सेंटेंस है और उस कॉमन इरर के सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करके उसमें इरर फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम समझते हैं कि जब भी किसी एक्टिव वॉइस, एवी मींस एक्टिव वॉइस और पीवी मींस पैसिव वॉइस, तो जब भी किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपके पास सेंटेंस कौन सा अवेलेबल होगा, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए और वर्ब फाइंड आउट कीजिए। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये तीन ही चीजों के पर आधारित होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पर। दूसरा रूल आप ध्यान रखेंगे कि चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस जो है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको आप काय में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए सिंपल, पहले इस फंडे को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि एक्टिव वॉइस में आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फ्लिप फ्लॉप कर देना है, हेल्पिंग वर्ब आपको रूल के अकॉर्डिंग लगा देनी है जैसा फॉर्मूला हमने दे रखा है, और मेन वर्ब जो है वो आपको थर्ड फॉर्म में लगा देनी है, और आपको क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तीसरा, यूज मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। हमेशा ही जब भी हम एवी टू पीवी बनाएंगे, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो आपकी मेन वर्ब किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में। इसको भूलना नहीं, मेन वर्ब हमारी किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में। यूज हेल्पिंग वर्ब बेस्ड ऑन रूल। देखिए ये इस कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है कि जो हेल्पिंग वर्ब जब आप एवी टू पीवी में चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, रूल के अकॉर्डिंग। कैसे ट्रांसफॉर्म होगा अभी मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। ऑलवेज यूज बाय और सुटेबल प्रीपोजिशन बिफोर एडिंग ऑब्जेक्ट इन टू पैसिव वॉइस सब्जेक्ट। देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब, फिर आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। पर अभी मैं आपको चूंकि रूल ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जब आपने मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लगाया, देखिए अभी हमने जनरल स्ट्रक्चरिंग की बात की थी, मेन वर्ब जब आप थर्ड फॉर्म में लगाएंगे और सब्जेक्ट को एड करेंगे तो यहां पर या तो आपको बाय का यूज करना है या तो जो भी सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज होगा दैट यू नीड टू डू, ये प्रीपोजिशन का आप यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एज इज द एक्टिव वॉइस एज विल बी द पैसिव वॉइस। जैसा एक्टिव वॉइस का आपका सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस वैसे ही होगा, मतलब एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव पैसिव वॉइस अफर्मेटिव, एक्टिव वॉइस नेगेटिव पैसिव वॉइस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव। मतलब जो स्ट्रक्चरिंग जो आपने लर्न की है उसी स्ट्रक्चरिंग में आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हमको ध्यान रखना है, जो मैं हेल्पिंग वर्ब आपको किसके आधार पर बता रहा था फ्रेंड्स, रूल के आधार पर। तो अब उस रूल को आपको समझने का समय आ गया, इसको ध्यान से देखें कि यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपको V1 या V1 प्लस SESIS देखने को मिलता है तो आप बिना टेंशन के उसका जो अगला टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इजेमार, तो बस आप इजेमार लगा के उसमें V3 लगा दीजिए। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपको V1 या V1 प्लस SESIS एक्टिव वॉइस में मिलेगा तो आप उसको काय में कन्वर्ट कर देंगे, इजेमार प्लस V3। अब ध्यान रखिए कि यदि आपको V2 में देखने को मिले, ओके जैसे मान लीजिए यहां पर गो की मैं बात करता हूं तो गो मिले तो आपको इजेमार प्लस V3 कर देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको V2 मिले मतलब कोई भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसमें यदि आपको वर्ब V2 में मिल रही है, कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है, तो आप उसको काय में चेंज कीजिए, वॉज वर्ब प्लस V3। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, काय में चेंज करना है, वॉज वर्ब प्लस V3 में। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कोई सेंटेंस मिल गया जिसमें आपको डूडज हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, कोई बात नहीं, डूडज इज कनेक्टेड विद सिंपल प्रेजेंट, तो उसकी कंडीशन में भी आप क्या यूज करेंगे, इज MR प्लस V3, इज MR प्लस V3। अब ध्यान रखना है कि डिड किससे कनेक्टेड है, सिंपल पास्ट से, तो डिड को आप कनेक्ट करेंगे काय में, कन्वर्ट करेंगे वॉज वर्ब प्लस V3 में। ध्यान रखना है बस दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, अगर V1 या V1 प्लस SESIS मिले तो इज MR प्लस V3 में कन्वर्ट कर दीजिए, यदि आपको वॉज वर्ब मिलता है, ओके आपको V2 मिलती है तो उसको आपको वॉज वर्ब प्लस V3 में कन्वर्ट कर देना है। डूडस सिंपल प्रेजेंट का रिप्रेजेंटेटिव है इसलिए इज MR प्लस V3, और डिड को आपको काय में डाल देना है वॉज वर्ब प्लस V3 में। अब ध्यान दीजिए कि यदि आपको विल शैल मिल गया, विल शैल किसको लेकर आता है, V1 को लेकर आता है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो विल बी शैल बी और V3 में चेंज करें, विल बी शैल बी V3। अगर आपको इज MR प्लस या वॉज वर्ब मिलता है यह हमेशा किसके साथ आएगा, VING के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, VING के। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको इज MR प्लस या वॉज वर्ब VING के साथ मिला तो आप क्या करेंगे, इज MR का इज MR ही रहने देंगे, वॉज वर्ब का वॉज वर्ब रहने देंगे, और यहां पर इस VING को सेटिस्फाई करने के लिए आप किसको ऐड कर देंगे, बींग को। किसको ऐड करेंगे, बींग को। क्यों? क्योंकि आपको VING नहीं लगाना है फ्रेंड्स, आपको क्या लगाना है, V3 लगाना है, इसलिए आप काय में चेंज करेंगे, इसको बींग में चेंज करेंगे। अब आगे चलते हैं, यदि आपको हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव मिलता है, ये हमेशा किसके साथ आता है, V3 के साथ आता है,
तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको सेम हेल्पिंग वर्ब लगनी है, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, फिर उसमें जोड़ देना है बीन और बीन के साथ V3। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी पहले जो V3 था ना, तो उसको हटाने के लिए V3 का हमने बीन का यूज किया। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये इज एम आर वॉज वर और बीन की क्या कंडीशन क्या है? तो ध्यान दीजिए कि आपको एक रूल तो हमने क्लियर करा है कि किसी भी पैसिव वॉइस में आपको जो वर्ब है वो किस फॉर्म में रखनी है, V3 में रखनी है, किस में रखनी है, V3 में रखनी है, और हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब किस लिए यूज होती है? तो ये होने के लिए यूज होती है। देखिए फ्रेंड्स, बी ये जो ये किसके फॉर्म है, बी के फॉर्म है, किसके फॉर्म है, बी बी ओके। और बी की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, इज एम आर वॉज वर, वर्ब टू भी हमने पढ़ा है, इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी ओके। बी का सेकंड फॉर्म होता है ओके वॉज वर ओके, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। क्या होता है? बीन होता है। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है ओके, बी की जगह आप इज एम आर लगा देंगे ओके, वॉज वर लगा देंगे या बीन लगा देंगे, तो बी के फॉर्म का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब के सब्स्टिट्यूट के रूप में, उसके साथ में। अब आगे चलते हैं, अगर आपको कोई मॉडल मिल जाए, कैन कुड मे माइट वुड शुड मस्ट और टू, ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, V3। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए फ्रेंड्स, बस आपको एज इट इज मॉडल रखना है, उसमें बी को एड कर देना है और बी के साथ आपको क्या लगा देना है, V3 लगा देना है, बी के साथ आपको क्या लगा देना है, V3 लगा देना है। आगे चलते हैं, यदि हम कुड हैव शुड हैव मे हैव माइट हैव मस्ट हैव और टू हैव आपको दिखता है, ये आपको हमेशा V3 में दिखेगा। अब देखिए हमने टेंस में क्या किया था, V3 को जब कन्वर्ट किया तो आपने बीन प्लस V3 लगाया था, बस उस मॉडल के साथ बीन जोड़ दीजिए, V3 जोड़। कोई सेंटेंस आपको ऐसा मिलता है एक्टिव वॉइस का जिसमें आपको इज टू अर्थात टू देखने को मिलता है, इज टू एम टू आर टू वॉज टू वर टू विल बी टू शैल बी टू, ये अपने साथ V1 लेगा, जो V1 लेता है उसके साथ क्या करते हैं, आप बी लगा देते हैं, तो बस आप क्या लगा दीजिए, इज टू बी एम टू बी आर टू बी और उसके साथ लगा देंगे V3। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, अगर आपको हैश टू हैव टू हैक टू अगर मिल गया तो इनके साथ आपको क्या करना है ओके, फिर से बी और वी थ्री लगा देना है, क्या लगा देना है, बी और वी थ्री। फ्रेंड्स पूरा गेम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का है कि हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को देखकर उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, बाकी तो बेसिक आपको पता ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। आइए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए आपको कोई भी सेंटेंस एक्टिव वाइज कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, कैसे, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किस फॉर्म में, पैसिव वॉइस में, तो आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट के, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब किसको फॉलो करनी थी, इस सब्जेक्ट को, तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब किसको फॉलो करेगी, इस ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने के आधार पर आप हेल्पिंग वर्ब की का चॉइस में यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब जो है वो हमने क्या रूल तय किया कि मेन वर्ब आपको किस फॉर्म में लगानी है, हमेशा थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में लगेगी। इसके बाद आप बाय का यूज करेंगे या कोई भी सुटेबल प्रीपोजिशन होगा उसका यूज करेंगे आप, और उसके बाद आप लगा देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल बताता हूं और मैं आपको एक सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन भी बताऊंगा डिफरेंट तरह से कि इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो देखिए, आई टीच इंग्लिश, मान लीजिए स्टेटमेंट आया आई टीच इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है सब्जेक्ट आई, वर्ब देखने को मिल रहा है टीच, और इंग्लिश देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, इंग्लिश इज ओके। चूंकि यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने क्या लगाया है, चूंकि V1 हमने देखा, V1 को ट्रांसफॉर्म काय में करते इज में, इज किया, टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट और बाय आई का हो गया मी। अब आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप क्या ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कि जब सब्जेक्ट से आप ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे और सब्जेक्ट में आपको ही दिखे तो ऑब्जेक्ट में आप इसको किस रूप में ले जाएंगे, हिम में, हिम दिखे तो ही में, शी का हर होता है, सी का हर होता है, तो हर का आपको क्या कर देना है, शी में ओके। इट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इट का हमेशा क्या रहता है, इट। आई का चेंज हो जाता है मी में और मी का चेंज हो जाता है आई में। ठीक है, यू का यू ही रहता है, यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, यू का यू ही होता है, और दे का हो जाता है देम, टी एच ई वाई, दे का चेंज हो जाएगा देम में ओके। और यदि वी है तो वी का चेंज हो जाएगा अस में और अस का चेंज हो जाएगा वी में। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखना है, ऐसे आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल देखता हूं ओके। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, अब यहां हमने देखा कि हमको क्या देखने को मिला, इज एम आर प्लस वी आई एनजी ओके, तो आप क्या लगाएंगे इसमें, बींग लगाएंगे। तो चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है तो हमने लगाया इंग्लिश इज बींग लर्न बाय यू, इंग्लिश इज बींग लर्न बाय यू, आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी। अब लर्न जैसे ही देखा आपने तो आपको समझ में V2 की बात हो रही है, V2 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे आप वॉज वर्ब में और V3 लगा देंगे, तो इंग्लिश वॉज लर्न बाय मी ओके, इंग्लिश वॉज लर्न बाय मी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ मॉडल दिख गया आपने देखा, इंग्लिश कैन बी लर्न बाय मी। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट
कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कराऊंगा फ्रेंड्स, आप बस 2 मिनट और इस वीडियो में बने रहिए। अब हमने क्या बोला था कि एज इज द एक्टिव वॉइस, ओके, हमें क्या ध्यान रखना है, ओके, फटाफट स्टॉप, ओके फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव लर्नड, एज इज द एक्टिव वॉइस, ओके, एज विल बी द पैसिव वॉइस, एज विल बी द पैसिव वॉइस, जैसा एक्टिव वॉइस होगा वैसा पैसिव वॉइस होगा। एक एग्जांपल देखता हूं, ओके, जैसे मैं बोलूं कि शी इज कॉलिंग मी, शी इज कॉलिंग मी, ओके, मान लीजिए सेंटेंस हमारे पास ऐसा होता, सी इज नॉट कॉलिंग मी, सी इज नॉट कॉलिंग मी, ओके, इज सी कॉलिंग मी, इज शी कॉलिंग मी, क्या हुआ, मुझे कॉल कर रही है, इज सी कॉलिंग मी, ओके, इज शी नॉट, ओके, इज सी नॉट कॉलिंग मी, इज सी नॉट कॉलिंग मी, ओके, डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन होता, वाई इज शी कॉलिंग मी, वो मुझे क्यों कॉल कर रही है, वाई इज सी कॉलिंग मी, ओके, एंड वाई इज शी नॉट कॉलिंग मी। अब ऐसा आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस आ गया, अब आपको इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, अभी बनाते हैं पैसिव वॉइस, सी इज कॉलिंग मी, ओके, तो ओके, ये काय में था हमारा एक्टिव वॉइस में, अब इसको चेंज करिए पैसिव वॉइस में, ओके, मी, मी का क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लग जाएगा, एम, ओके, चूंकि वी आई एन जी है तो आपको क्या लगाना, बी, आई एम बीइंग कॉल्ड, चूंकि सी है यहां तो क्या बन जाएगा, हर, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, ठीक है। अब यही वाला क्या बन जाएगा, आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हर, आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हर, और आगे देखिए, इज सी कॉलिंग मी, ओके, तो मी का क्या होगा, आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम, तो क्या बन जाएगा, एम आई बीइंग कॉल्ड बाय हर, एम आई बीइंग कॉल्ड बाय हर, एम आई बीइंग कॉल्ड बाय हर, ऐसे इसका ये बनाना है तो क्या बनेगा, एम आई नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हर, बीइंग कॉल्ड बाय हर, एम आई नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हर, और आगे देखिए, वाई इज सी कॉलिंग मी, ओके, तो देखिए वाई का वाई रहेगा, ठीक है, मी, मी का चूंकि आई होने वाला है तो आप एम से एम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह, तो वाई एम आई बीइंग, वाई एम आई बीइंग कॉल्ड बाय हर, मैंने क्या कहा था, जैसा एक्टिव वॉइस वैसा पैसिव वॉइस, नो चेंज विल बी देयर, है ना, एंड वाई इज सी नॉट कॉलिंग मी, सो ओके, क्या बन जाएगा, वाई एम आई नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हर, कॉल्ड बाय हर। फ्रेंड्स, पूरी उम्मीद है कि आज आपने इस कॉन्सेप्ट को एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस को फुली लर्न किया। यदि कोई भी डाउट होता है तो जस्ट मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू, एंड डू नॉट कंफ्यूज, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।